वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम आनंद कुमार है और आज मैं आपका टॉपिक आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं. हाँ जी, देखिएगा. तो अब हम जो है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आज हम अपने प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी इस चैप्टर की आज हमारी लास्ट क्लास है. कि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, समझा भी इसको अच्छी तरीके से कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज एंड अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इस पार्ट को हम समझ चुके हैं. अब हम आज इस क्वेश्चन का आंसर लेंगे, हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम को समझने में ये किस तरीके से हेल्प करता है. आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं. एक एग्जांपल तो समझेंगे, डायग्राम तो समझेंगे. सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज कौन सी प्रॉब्लम आती है. सेंट्रल प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस. सॉल्व करेगी. देखिए, एक मैं सबसे पहले पीपीसी कर्व ड्रॉ कर रहा हूं. ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया. अब एक बात को जरा समझिएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके से आते हैं, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन अटैच होकर के आते हैं पेपर में, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको लगातार एक पैराग्राफ की तरह उसको लिखते चले जाते हैं. टीचर को ये समझ में नहीं आता, जब चेक करते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि फर्स्ट का आंसर कौन सा है, सेकंड का आंसर कौन सा है. इसलिए जब अपना आंसर लिखते हैं तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो पहले आप यहां पर हैशटैग बनाकर लिख देंगे कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसमें आप जो एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल्ड और उसका डायग्राम और उसके बारे में आप लिखेंगे. देन जब आप प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आप हैशटैग या स्टार बना करके, पॉइंट बना करके, 2 लाइन छोड़ करके आप इस बात को लिखिए कि प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड अंडरलाइन करो, उसको एक्सप्लेन करो एंड कॉनकेव टू द ओरिजिन. फिर नेक्स्ट लाइन में आप इस चीज को लिखो, एक एक लाइन, 2-2 लाइन छोड़ दिया करो. जब आप एक चीज को सॉल्व करके दूसरी चीज पे जा रहे हो तो 2 लाइन बीच में छोड़ करके कुछ बुलेट्स यूज कर लो, तो एग्जामिनर को मालूम पड़ जाएगा आंसर उसको मिल गया, सेकंड का आंसर मिल गया एंड अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर डाल करके उसके अजम्पशंस को लिख दो. उसके बाद आप जो है, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम. तो फिर आप इस चीज को लिखो, ठीक है ना, कि किस तरीके से सेंटर प्रॉब्लम को ये करता है, अलग से हाईलाइट कर करके. और सेंटर प्रॉब्लम तो आपको पता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस. तो एक इंडिफरेंस कर व्हाट टू प्रोड्यूस फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेगा, उस बात को आप लिखें. देन उसके नीचे डायग्राम बनाए, फिर उसके नीचे आप लिखें इस बात को जो आप डायग्राम में आपको समझे, जो आप समझे. तो सब कुछ याद करने से बात नहीं बनेगी, कुछ अपनी समझदारी, कुछ मैनेजमेंट, कुछ प्लानिंग, आप इन सब चीजों को लेकर चलेंगे, कब कहां पर क्या लिखना है, इन बातों को समझेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हमारा पहले पीपीसी का, पीपीसी किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, तो फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम को मैं पहले आपको रिजॉल्व करवा रहा हूं. पासिंग गुड्स एक्स है और गुड्स एक्स मींस आप यहां पर आप मान सकते हैं कैपिटल गुड्स, मैं कह सकता हूं उसको कैपिटल लाइक मशीन, क्योंकि 2 टाइप प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन करवा रहे हैं ना, बट टू पड़ी उसमें. और एक गुड्स वाई है आपका, गुड्स वाई, और गुड्स वाई में क्या है आपका, कंज्यूमर गुड्स है. और कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं, जो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है, दूध दूध, ये कंज्यूमर गुड्स होती है. तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कंज्यूमर गुड्स है. अब एक पीपीसी कर्व आपको पता है कैसा
ओरिजिन होता है, तो चलिए एक पीपीसी होते हैं, लाइक उनकी पॉसिबिलिटी को मैं अलग अलग नाम दे दीजिए, जो आपको पता, जो भी आप दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से आप जो है, हाँ जी वीडियो, अब ठीक है वीडियो बताइए, वीडियो ठीक है, अब कहाँ से समझ में नहीं आया बताइए, अगर लेट ज्वाइनिंग हुई है तो भाई फिर मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बच्चा 30 मिनट के बाद ज्वाइन करता है फिर मैं दोबारा सारा शुरू नहीं कर सकता, प्रॉब्लम्स कहाँ हुई है बताइए जरा, किस चीज में और कितने बच्चों को इश्यू आ रहा है, अब यहां पर मेरे सामने जो बच्चे लाइव हैं सब जरा बताइए, ऑडियो में प्रॉब्लम है, वीडियो में प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है, जल्दी से कमेंट करें तो मैं आगे कंटिन्यू पढ़ाना शुरू करता हूं, बताएं वर्ड टू प्रोड्यूस ऑलरेडी क्लास वन में डिस्कस हो चुका है कि क्या होता है वर्ड टू प्रोड्यूस, स्टार्टिंग में लैग हो रहा था, अब मुझे दोबारा से स्टार्ट करना है, चलिए कोई बात नहीं दोबारा स्टार्ट करता हूँ फिर मैं, अब ठीक है वीडियो, अब वीडियो ठीक है, बताओ दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको, हाँ जी देखिए, तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किया है अपना प्रॉब्लम टू स्केसिटी में, उस पे था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पीपीसी, तो पीपीसी के कंसेप्ट को हमने एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल लेकर करके और डायग्राम से हमने इसको अच्छे से समझा, अजम्पशन ऑफ पीपीसी इस चीज को भी हमने समझा, एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी, ये चीजें लास्ट क्लास ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी हैं। अगर मैं बात करता हूं आज की क्लासेस के, तो डियर स्टूडेंट आज के क्लासेस में हम समझेंगे कि पीपीसी कर्व की हेल्प से आप अपने सेंटर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या सेंटर प्रॉब्लम को कैसे आप समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को डाले गए हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा एक पैराग्राफ बना करके सबका सॉल्यूशन करते हुए नहीं बढ़ना है, इससे पेपर में आपके लगभग लगभग आपको जितने आपका जो है 20% मार्क्स ही मिलेंगे इसके, जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, गलती से भी ये गलती मत करना, चाहे आपने कितना भी अच्छा कंटेंट लिख रखा हो, बहुत शानदार लिख रखा है आपने अंदर, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा, इसलिए जब आपसे यहाँ पर टोटल 4 सवाल पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वन बाय वन कर कर करके हेडिंग डालते हुए उन चारों का आपको आंसर करना है, पहले आप यहाँ पर इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि सबसे पहले आप इसको हेडिंग डालिएगा कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व आप ये हेडिंग डाल करके अब आप यहां पर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास में लिखने इंडिफरेंस कर्व की एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं, ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व की आप डेफिनेशन देने के बाद उसके बाद आप एक शेड्यूल बना दें, और आप उसके बाद जो है शेड्यूल बनाने के बाद आप अपना डायग्राम बना दें, डायग्राम के बाद अपने शेड्यूल को आप एक्सप्लेन करने लग जाओ, और फिर आप अपने डायग्राम को एक्सप्लेन करने लग जाओ, याद करने की जरूरत क्या है आपको, आपके पास में इतना ज्यादा लिखने के लिए मटेरियल हो जाएगा कि आप खुद सोचेंगे कि इसको कम कैसे करें, ये हो गया, उसके बाद फिर आप क्या करें, जब ये हो जाएगा आपके पास पे, तो देन इसके बाद आप इसको कुछ इस तरीके से लिखें, देन नेक्स्ट पॉइंट है ना आपका, तो नेक्स्ट पॉइंट लाइन को जहां पे आपने आंसर फिनिश करा तो थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, एक वो लगे हाथ मत करिए, दिखेगा नहीं उनको, वो इतना समय है ही नहीं उनके पास में जो इतने ध्यान से देखेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा, फिर आपको यहां पर क्या लिखो, इस चीज को लिखो आप प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देन उसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दो, और फिर उस प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, तो उसको लिख करके, अब वो क्यों होता है, क्योंकि आपके हमारे पास तो रिसोर्सेस लिमिटेड है, एक का ब्लशन बढ़ाएंगे दूसरे ब्लशन कम करना पड़ेगा, उन्हीं बात को जो आपने नॉलेज में लिया उसको आप लिखो, देन प्रॉपर्टी 2, उसके बाद जब आप थर्ड क्वेश्चन पर आते हो तो आप अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व,
फिर आप फिफ्थ पर आते हो तो आप इस चीज को लिखो, हाउ टू सॉरी अजम्पशन ऑफ पीपीसी। देन आप नेक्स्ट आते हो तो आप उसको ऐसे लिखो कि हाउ टू सॉल्व द पीपीसी ऑफ सेंटर प्रॉब्लम। समझे नहीं समझे, क्लियर है? तो आप यहां पर हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो किस तरीके से एक इकोनॉमी के सेंटर प्रॉब्लम को समझने में ये आपका हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप वन बाय वन हेडिंग डाल करके करो, क्लियर है जी? तो चलिए, मेरा लास्ट क्लास क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्लास में मेरा क्वेश्चन ये था कि कर्व एंड हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमने तीन सवालों के जवाब ले लिए थे, ये क्वेश्चन हमें समझना है आज की क्लास में और इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कौन पीपीसी। तो देखिएगा, तो हमारे सेंटर प्रॉब्लम की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली तीन तरीके के सेंटर प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या, बेसिकली गुड्स एंड सर्विस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जहां पर एक कंज्यूमर गुड्स है और एक कैपिटल गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है, और कैपिटल गुड्स वो होता है जो कंज्यूमर को इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी गन्ने के जूस पर गन्ने का जूस पीजिए, जो गन्ने का रस जो है वो आपके लिए कंज्यूमर गुड्स है क्योंकि वो आपको डायरेक्ट सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन वो मशीन भी आपको सेटिस्फाइड कर रहा है बट वो इनडायरेक्टली कर रहा है क्योंकि मशीन की हेल्प से तो जूस निकला है। तो मशीन क्या हो गया, वो कैपिटल गुड्स हो गया, और जो गन्ने का जूस है वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में लॉन्ग टर्म तक बार बार हेल्प करते हैं, और कंज्यूमर गुड्स आपके पास में आप उसका कंज्यूम कर लेते हैं। बेसिकली इकोनॉमी में गुड्स के दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। और इकोनॉमी में इस बात को भी अच्छे से समझ लिया गया है कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, वो क्या है, वो लिमिटेड है। अब हम यहां पर हाँ जी देखिए जरा, हाँ जी, तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ाते हैं। अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो रिसोर्सेज को हमें कंज्यूमर गुड्स पे लगाना पड़ेगा, तो हमारा कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा। और अगर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं तो रिसोर्सेज हमारे कैपिटल गुड्स पे लगेंगे, कंज्यूमर गुड्स के लिए रिसोर्सेज हमारे पास में कम होंगे तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा। ये प्रॉब्लम थी हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, कि किसका प्रोडक्शन करें। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैंने मान लिया, जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं अपने सामने कि दो, एक हमारे पास में वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है गुड्स एक्स, जो कि एक कैपिटल गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक मशीन, एंड आपका वाई एक्सिस कंज्यूमर गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक आपके वीट, और एक आपके पास में पीपीसी है जिसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है आप चीजों को प्रोड्यूस करने की। एक इकोनॉमी इन सभी पॉसिबिलिटीज को प्रोड्यूस कर सकता है अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से, जो पीपीसी के ऊपर पॉइंट है, इसके अंदर भी काम कर सकता है। तो यहां पर मान लो कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं, मान लीजिए आप इस सिचुएशन में जहां पर कि आप ओ वाई आप कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ओ एक्स आप जो है कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, या वॉर जैसे रिलेटेड सिचुएशन आ गई, जब युद्ध जैसी संभावना आ जाती है तो वहां पर कैपिटल गुड्स की नीड होती है, फाइटर प्लेन की नीड होती है, टैंक की नीड होती है। तो आप इस सिचुएशन में चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या हो, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो, कंज्यूमर का कम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप यहां पर क्या करेंगे, बी से आप जो है डाउनवर्ड नीचे की तरफ आप शिफ्ट होंगे, तो आपके पास में क्या होगा कि आप यहां पर की रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, देन आपके पास में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन आपके पास में ज्यादा हो जाएगा। तो पीपीसी का ये बता रही है कि आप जिस गुड्स का प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है? ये तो था हमारा क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट क्या हमारा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, देखिएगा जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ में और नए बच्चे जो एनरोल्ड हो रहे हैं, वो ज्यादा कोर्स अभी हुआ नहीं है आपका, सिर्फ तीसरा चैप्टर ही अभी हमारा चल रहा है, तो आप बैकअप में जाकर के जो आपके कंटेंट में उन सारी क्लासेस को आप जो है जाकर के आप देखो, कंटेंट में आज सारी वीडियो, अब तक की सारी वीडियो आपके डलवा दी जाएगी। तो
कंटेंट में जाकर करके आप उन क्लासेस को आप बैकअप में रिकवर कर लेना, ठीक है जी। अभी तो लाइफ के लिए तो पूरा कोर्स बाकी है। चलिए, हाउ टू प्रोड्यूस, बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, ये टेक्निक के चॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लास्ट क्लास में बताया था, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, तो थोड़ा जल्दी मैं आपको बता के निकल रहा हूं, ये एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं। बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि आप हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से, कैसे प्रोडक्शन करें। आप कैसे प्रोडक्शन करें तो बेसिकली किससे रिलेट हो गया ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो है आपके टेक्निक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। और मैंने आपको बताया था टेक्निक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो क्या रहता है, अगर आप देखेंगे देखिएगा, टेक्निक से रिलेटेड प्रॉब्लम बेसिकली दो तरीके की टेक्निक होती है हमारे पास में। एक टेक्निक वो होती है जिसमें कि हम लेबर का यूज करते हैं और मशीन का यूज कम करते हैं, उसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और एक टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें कि हम मशीनरी का यूज ज्यादा करते हैं और लेबर का कम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। और बेसिकली हर प्रोड्यूसर को, आपने भी अगर ये डिसीजन ले लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको किस चीज का प्रोडक्शन करना है, तो ये डिसीजन लेने के बाद में फिर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से हम इसका प्रोडक्शन करें। तो किस तरीके से, कहने का मतलब हुआ किस टेक्निक से प्रोडक्शन करें। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये टेक्निक के चॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि किस टेक्नोलॉजी सिलेक्शन करेंगे। और अब मैंने आपको बताया था कि हमारी टेक्नोलॉजी बेसिकली किस पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दी, एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को देखें तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक तो होती है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मतलब कि कुशल तकनीक। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो तकनीक जिससे कि आपकी जो है रिसोर्सेस, मतलब कि कम से कम लगे, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, और रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर हम बेटर यूटिलाइज करेंगे तभी तो हम, ये बात तो तय है कि हमारे इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोगों के अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल करने की कोशिश तो की जा सकती है। और मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल जब की जा सकती है, जब हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करें। अब हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करेंगे, सवाल अब हमारे सामने क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से मुमकिन है, किस तरीके से पॉसिबल है, तो देखिएगा, बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज जब भी हो सकता है जब आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से आप चीजों का प्रोडक्शन करवाएं। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होता है जो कि आपके रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज करे, इससे आपका कॉस्ट कम से कम आएगा और आपको आउटपुट ज्यादा से ज्यादा दे। तो वो जिससे कॉस्ट कम आए और आपका आउटपुट ज्यादा आपको मिल जाए, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। और वो जिससे कि कॉस्ट भी ज्यादा आ रहा है, प्रोडक्शन लेवल भी ज्यादा नहीं हो रहा है, उसे इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है। ये कंट्री के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में लेबर बहुत महंगे हैं, वहां पर मशीनरी वहां की भी सस्ती है। एक मशीन से प्रोडक्शन करवाने पे 30,000 रुपए कॉस्ट आ रहा है, वहां एक लेबर को रखेंगे तो 50, मैं इंडियन करेंसी में बोल रहा हूँ, 50,000 रुपए उनको तनख्वाह देनी पड़ जाएगी। तो वहां पे उनके अकॉर्डिंग बेस्ट क्या है, उनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना है। रिसोर्सेज में तो कैपिटल भी आता है, उनको कैपिटल का अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो वहां पर बताइए उनके लिए कॉस्ट कम से कम आए, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को उनको अडॉप्ट करना है, तो वो लेबर की तरफ जाएंगे या कैपिटल की तरफ जाएंगे, वो कैपिटल की तरफ जाएंगे। तो उनके पर्पस से तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। लेकिन भारत की मैं बात करूं, जहां 10,000 रुपए में लेबर मिल जाते हैं और मशीन से प्रोडक्शन करवाऊंगा तो चलो यहां पर भी 30,000 रुपए, लेकिन अगर मैं लेबर से प्रोडक्शन करवाऊंगा तो मैं दो लेबर रख दूंगा, तो जो कि मेरा खर्चा कितना आएगा, 20,000 आएगा, 10,000 तो मेरा बच रहा है। तो भारत की बात करूं तो यहां तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये आपकी कैपिटल को ये बचा रहा है, आपके रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन आपका करवा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि हमें किस रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, हमें एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। और ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि उस किस कंट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंट है। भारत में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंट है, जहां वहां पर ऐसे, जहां पर पॉपुलेशन कम है वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंट है। अब सवाल यह है कि हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये टेक्निक के सिलेक्शन से रिलेटेड है, किस टेक्निक से प्रोडक्शन करवाएं।
और हम किससे करवाने वाले हैं, हम एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करवाने वाले हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आपको अब तक इतनी कहानी से आ गई है। अब बात यह है कि भैया पीपीसी इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेगा। पीपीसी तो भैया पीपीसी का मतलब आप जैसे आप देखिएगा, दोबारा अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में ओरिजिन हो गया और ये मेरे पास में वाई एक्सिस हो गया और यहां पर मेरे पास में एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और एक ये मेरे पास में पीपीसी है और यहां पर मैं गुड्स वाई, यहां पर मैं कंज्यूमर गुड्स वीट ले रहा हूं और यहां पर मैं गुड्स एक्स, जहां पर मैं कंज्यूमर गुड्स गुड्स एक्स जहां पर मैं कंज्यूमर गुड्स सॉरी कैपिटल गुड्स ले रहा हूं लाइक मशीन। ठीक है, अब देखिएगा इकोनॉमिक, यहां पे इकोनॉमी यहां पे काम कर रही है पीपीसी के अंदर। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पीपीसी के अंदर अगर किसी पॉइंट पर काम कर रही है तो यहां पर आपके पास में गुड्स वाई का प्रोडक्शन इतना हो रहा है और एक्स का प्रोडक्शन इतना हो रहा है। लेकिन आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करो कि हम वाई का प्रोडक्शन में कमी किए बिना एक्स का प्रोडक्शन और बढ़ा सकते थे, है ना। वाई के प्रोडक्शन में कम किए बिना हम एक्स का प्रोडक्शन और बढ़ा सकते थे, लेकिन हम वो बढ़ा नहीं रहे क्योंकि हम कहां पर काम कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, ए पॉइंट पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जितनी हमारी कैपेसिटी है चीजों का प्रोडक्शन करने की, हम उससे कम पर है, हम उससे कम पे काम कर रहे हैं। मेरी बात समझे, जैसे कि मान लो आप 100% स्कोर ला सकते हो और आप 60% स्कोर लेकर के आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना कर सकते हैं उससे कम पर काम कर रहे हो, तो आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर का पॉइंट किस बात को रिप्रेजेंट करता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, सही से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जब आती है जबकि आप एक इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हो। क्लियर है, तो पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। क्लियर है, अगर आप पीपीसी के ऊपर पॉइंट आपको इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि आप यहां पर जिस भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो वो आपका टेक्नोलॉजी करेक्ट टेक्नोलॉजी है, आपको इसमें चेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। क्यों एक एफिशिएंट है, क्योंकि अब यहां से आप अपने इकोनॉमी में अगर एक गुड्स का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फिर दूसरे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, आपका दूसरे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेस ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइजेशन में है। अगर आप अब एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो रिसोर्सेस आपके पास में एक्स्ट्रा कहीं पड़ा हुआ नहीं है, आपको यहां से शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो मतलब इससे पहले ऑलरेडी रिसोर्सेज आपका पूरी तरीके से यूज में आ रहा है, तो ये आपके तरीके से फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जब आपका रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज में आ रहा है तो इसका मतलब वो जब आता है जब आप एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है, तो पीपीसी के अंडर कोई पॉइंट इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि आप अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाइए क्योंकि एक इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं, और पीपीसी के ऊपर कोई पॉइंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं। तो यहां पर तो ये इस चीज से रिलेटेड है। तो मेरा सवाल ये था कि पीपीसी कर्व में कैसे इन सेंट्रल प्रॉब्लम को समझा जा सकता है। तो पीपीसी कर्व में आप कुछ इस तरीके से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और आप होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जा सके। तो होम टू प्रोड्यूस में कुछ इसी तरीके से लेंगे, मान लो कि मेरे पास में दो तरीके की गुड्स हैं। अब बात करते हैं होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस तो मेरे पास में दो तरीके की गुड्स हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 30 नवंबर से बच्चों के पेपर चालू हैं और अक्टूबर का महीना खत्म हो गया है, लगभग एक एंड पर है, और आपके पास पे और भी सब्जेक्ट्स हैं तो पूरे दिन तो एक्सपेक्ट आप लेकर नहीं बैठेंगे, तो आपके पास में हार्डली, और मुझे मेरा ये मानना है कि अगर आपका एग्जाम 30 नवंबर से स्टार्ट है तो जाहिर सी बात है उससे 5 दिन पहले आप उसी पेपर के बारे में पढ़ेंगे जो आपका एग्जाम है, क्योंकि ऑलरेडी तो पूरे साल इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है बच्चों से, तो आप एग्जाम के 5-4 दिन पहले वही सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दोगे जो आपका एग्जाम है, तो आप उसी को पढ़ना पसंद करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना सिलेबस 25 नवंबर तक खत्म करना पड़ेगा, समझे। तो 25 नवंबर मतलब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 25 दिन ही है। क्लियर है जी, तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। ग्रेजुएशन एक ऐसी चीज है ना
होती तो 3 साल में हो जाती है, जो बच्चा सीरियसली लेता है। जो सीरियस नहीं लेता ना, अगले बार कर लेंगे, बैक आ जाएगी। ध्यान रखना 7 से 8 साल तो आपका लेगा लेगा। और बहुत सारे आप देख लीजिए डाटा उठाकर व्यू में, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आज तक ग्रेजुएट हो ही नहीं पाए, क्योंकि एक बार ट्रैप में बच्चा आ जाए ना, 3 साल में अगर एक बार ग्रेजुएशन ना हो, बस उसके बाद देखिए वो कैसे ट्रैप में आता है। फिर तो ग्रेजुएशन होगा ही नहीं, 12वीं पास ही कहलाएगा और 12वीं पास ही रहेगा, बोल भी नहीं पाएगा किसी को कि वो 12वीं पास है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 साल में पेपर जब भी निकलता है, जब आप पीछे से बैक लेकर के आगे ना जाओ, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी आप पेपर के टाइम पे ही आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, पीछे का बैक कहां से पढ़ेंगे। तो इसलिए आप जो है हैंड टू हैंड पढ़ते हुए साथ साथ चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कुछ बातें कुछ स्टूडेंट के साथ में मैक्सिमम स्टूडेंट साथ ऐसा होता है, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। उम्मीद है आप दूसरों की गलती से सीखेंगे, आपका समय बचेगा। हाँ जी, होम टू प्रोड्यूस की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास में, दो तरह की गुड्स हैं, एक हमारे पास में वाई है, एक हमारे पास में एक्स है, ठीक है। ये गुड्स वाई, जिसमें कि एक गुड्स एक्स, दो टाइप की गुड्स है। अब मैं एक काम कर रहा हूं यहां पे, पीपीसी कर्व की मैं बात कर रहा हूं, कि एक होता है लग्जरी गुड्स और एक होता है नेसेसरी गुड्स। दो टाइप की गुड्स का मैं पेपर में बात कर रहा हूं। तो लग्जरी गुड्स एंड नेसेसरी गुड्स की अगर मैं बात करूं, या हमारा गुड्स क्या है, एक्स है। अगर इकोनॉमी के अंदर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोडक्शन हो, तो इकोनॉमी के अंदर अगर गरीब लोगों की संख्या कम है, गरीब लोग ज्यादा नहीं है, सबके पास में अच्छा खासा पैसा है, तो लग्जूरियस गुड्स का प्रोडक्शन वहां पर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और अगर इकोनॉमी ऐसी है, देश ऐसा है जहां पर कि गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, लोगों की आय का स्तर बहुत कम है, तो वहां पर जो है नेसेसरी गुड्स होती हैं, जैसे कि अनाज हो गया, इन सब चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मेरे पास में एक्स एक लग्जरी गुड्स है और वाई एक नेसेसरी गुड्स है, तो अगर कंट्री में पॉवर्टी है तो ये मेरे लिए ए पॉइंट बेस्ट है। लेकिन अगर कंट्री अमेरिका में पैसा है, कैपिटल है, गरीबों की संख्या बहुत कम है, तो वहां पर जो है हमारी इकोनॉमी बी पॉइंट पर प्रोडक्शन करना पसंद करेगी, क्लियर है। तो होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोडक्शन करें, इसको भी आप जो है पीपीसी कर्व के थ्रू आप समझ सकते हैं, पीपीसी बोलते हैं बेसिकली, तो क्लियर है जी। तो आपके पास में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास में ये था कि हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कौन पीपीसी। तो पीपीसी के बारे में समझ गया, सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन करा उस बात में समझ गए। लेकिन आप जब लिखोगे ना, मेरी बात ध्यान रखिए, अब सेंट्रल प्रॉब्लम आपने लिखा क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो पहले आपको व्हाट टू प्रोड्यूस को लिखना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बेसिकली दो टाइप की गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, रिसोर्स लिमिटेड। इस वजह से हमें प्लान करना पड़ रहा है कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन करें, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें, क्योंकि हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अगर हम एक का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे रिसोर्सेज वहां यूज हो रही है, दूसरे प्रोडक्शन हमारा कम होगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि बी पॉइंट पर हमारे पास में क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, लाइक वीट, वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और हमारे पास में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्लियर है। और हमारे पास में डी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज को अगर हमें कैपिटल गुड्स को बढ़ाना है तो रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स पर लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हमारे पास में अब कम हो जाएगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, इन्हीं बातों को आपको लिख देना है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन ले लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर भी रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का यूज टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्केर्सिटी। पीपीसी स्केर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरा, ठीक है ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तीन बात बताना है कि पीपीसी इन तीन बातों को कैसे एक्सप्लेन करता है, एक स्केर्सिटी को कैसे बताता है और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे बताता है, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बताता है। तो सबसे पहले मैं बात किससे करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्केयरसिटी, ठीक है ना। चलिए पीपीसी का स्केयरसिटी के बारे में कैसे बताता है, तो
ये आपको सबसे पहले एक पीपीसी कर्व बना करके ही पता चलेगा। डायग्राम सबसे पहले जी, डायग्राम बना और आपको मार्क्स मिले। तो आप अपने इकोनॉमिक्स में कोशिश करो कि सबसे पहले आप डायग्राम ही बनाओ। डायग्राम बनाने से क्या होगा कि आपको लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, डायग्राम को देख देख के आप बहुत कुछ लिख सकते हो। गुड्स एक्स कैपिटल गुड्स और गुड्स वाई कंज्यूमर गुड्स, ठीक है जी। और यहां पर एक बनाते हैं पीपीसी, जहां पर बहुत सारे पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। मेरा सवाल क्या है कि पीपीसी किस तरीके से स्केर्सिटी को एक्सप्लेन कर रहा है? पीपीसी पे कैसे पता लगेगा स्केर्सिटी है? स्केर्सिटी मीन्स लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो देखिएगा, आप एक बात को जरा समझने की कोशिश करें कि आपके पास में जब आप ए पॉइंट पर हैं, तो यहां पर आपके पास पे ओ वाई कंज्यूमर गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ओ वाई, और आपका कैपिटल गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जीरो। कैपिटल गुड्स कितना है, जीरो इस पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बी पॉइंट पर जाते हैं, तो बी पॉइंट पर आपके पास में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, बताओ? कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, और यहां पर आपके पास में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब आप सी पॉइंट पर जाते हैं तो क्या होता है, सी पॉइंट पर अगर आप जाते हैं तो यहां से भी आपके पास में क्या होता है कि आपका कैपिटल गुड्स बढ़ जाता है और आपके पास में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड। रिसोर्सेस हमारे क्या है, वो लिमिटेड है। क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है कि अगर मैं एक प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो कहां से बढ़ा रहा हूं, रिसोर्सेज को दूसरी तरफ से मुझे यहां पर ट्रांसफर करना पड़ रहा है। कंज्यूमर गुड्स से रिसोर्सेज को मैं कैपिटल गुड्स की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, तब जाकर के मैं कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा पा रहा हूं, और फिर उसके बाद मेरे पास में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये पीपीसी बताता है कि अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो दूसरे प्रोडक्शन आपका कम होगा। ये अपने आप में इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। तो पीपीसी किस तरीके से स्केर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास में पीपीसी इस तरीके से स्केर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे एक्सप्लेन करता है ये पीपीसी में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली ये MRTS ही होता है, ध्यान से समझिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसको अच्छे से पहले आप समझ लीजिए एक बार कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसे कहेंगे। मान लीजिए मैं इस समय जो काम कर रहा हूं, या फिर एक पर्सन है कोई, उसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं ए, ये इसकी सैलरी जो है 20,000 रुपए है, ठीक है। और एक दूसरा पर्सन है, ठीक है जी, और सॉरी वही पर्सन है, इसको एक ऑफर मिलता है कहीं एक जगह और, उसको जॉब मिली, वो जॉब उसको 35,000 रुपए की मिली है। ये जॉब एक नई जॉब है, एक न्यू जॉब है। तो वो इस जॉब को लेने के लिए, इस जॉब को लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा। तो एक को पाने के लिए जो दूसरा आपने छोड़ा, जो कीमत चुकाई आपने एक को पाने के लिए, ये जो कीमत चुकाई, इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझे या नहीं समझे, इसी को क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर कितना है, 20,000 रुपीज है। इस बात ये बात समझ में आपको आई कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो आप जब एक चीज को, आप एक अपॉर्चुनिटी को लेते हैं तो उसके बदले में कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। क्लियर है, इस बात को समझ गए? तो आइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, आप पीपीसी किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, सवाल ये है। ओरिजन वाई एक्स
गुड्स वाई, गुड्स एक्स, ठीक है जी। यहां पर हमारे पास में वीट है और यहां पर हमारे पास में मशीन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात कर लेते हैं, आइए पहले एक पीपीसी कर्व बना लेते हैं। पीपीसी कर्व नहीं होता है वैसे, वैसे होता है पीपीसी, सिर्फ पीपीसी, क्योंकि पीपीसी में ऑलरेडी लास्ट लेटर आपका कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आइए, ये मेरे पास ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, क्लियर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ है इसमें, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास में ओ वाई जो है कंज्यूमर गुड्स वीट का ओ वाई प्रोडक्शन हो रहा है, और जो कैपिटल गुड्स मशीन है उसका मेरा ओ एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मशीन का प्रोडक्शन बढ़े, तो मेरा मशीन का जो प्रोडक्शन बढ़े, तो अब मेरा मशीन का प्रोडक्शन ओ एक्स से ओ एक्स वन हो गया। और लेकिन इसके बदले में क्या हुआ, अगर ये मेरा बढ़ा तो ये क्या हुआ, ये मेरा कम हुआ, कौन सा कंज्यूमर गुड्स, अब ओ वाई डैश तक आ गया, ठीक है। अब मेरे एक को पाने के लिए, एक को अचीव करने के लिए, इसको पाने के लिए यहां से कितना मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ गया, दिस वन, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझे। तो पीपीसी किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताता है, ये बात थी ना, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, क्लियर है ना, कि एक को पाने के लिए दूसरा जितना सेक्रीफाइस करते हो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, क्लियर है। आगे बढ़े जी, चले फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, एक तो आपका स्केयरसिटी बतानी थी, एक आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी थी, और एक आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बतानी थी। इसमें एक बात आपको और बतानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहां है, ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब साधारण सा मतलब समझिएगा कि लोगों का जीवन जीना पहले से ज्यादा आसान हो गया, होता जा रहा है, इसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं हम, ठीक है। अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ 1957 या 1950 में लोगों का जीवन जीना थोड़ा करता था, और आज जो देख रहे हैं आप लोग जो जीवन जी रहे हैं, तो कंपेटिवली थोड़ा कंफर्ट हो गया आज जीना। आज हमारे पास में जो है क्या कहते हैं, अगर गर्मी लगे तो पंखा है, ठंडा पानी पी सकते हैं आप, कर वो एक अलग मुद्दा है कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके लोगों के एज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जो जनरली मैं बात इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करूंगा, मैं एक जनरल बातों के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आप भी जानते हैं कि हम बेसिकली रियलिटी में आगे गए हैं पीछे गए हैं, वो तो सबको सच्चाई पता ही है, बट एक इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी की बात मैं करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जीवन पहले से कंफर्ट हो जाना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। जहाँ पहले दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे, भूखमरी, बच्चों की मौत हो रही थी, अगर आज की स्थिति देखी जाए तो आज कम से कम हर बंदा ज्यादा नहीं कमा सकता है, बंगला नहीं ले सकता है, बट दो वक्त की रोटी का आज के समय पर पहले कंफर्टेबली में हो जाता है। आज के समय पर भूखा सो जाए, काम जो उसे करने की इच्छा हो भूखा सो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक दौर था, एक जमाना था, जो काम करने वाले जो मैं भी थे, जिसके काम करने की इच्छा थी, उनको ही भूखा सोना पड़ जाता था, क्योंकि काम कोई उनके पास में था नहीं, खेती बर्बाद होगी तो वो भूखे सो सो करके ही अपना जीवन इस तरीके से कुछ समय तक आप वो निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन आज के समय पर जिस जो मेहनत करना चाह लेगा उसके पास में काम जरूर है, और वो भूखा नहीं सो सकता, इसकी गारंटी है आज की डेट में। तो ये इसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ होना, क्लियर है। लेकिन आज के समय में भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों अपना मकान नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास में अपने व्हीकल्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर करके और ये चीजें को ला करके और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे होती चली जाती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, लोगों का जीवन पहले से आसान बन जाना। लेकिन पीपीसी
में किस तरीके से आप इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। बच्चे जब इकोनॉमिक का ग्रोथ होता है ना, तो इकोनॉमिक का ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो पहले एग्जाम्पल के लिए पहले लोगों का शिक्षा का स्तर कितना था, सिर्फ 16% लोग, 100 में से अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 16 लोगों को पढ़ना और लिखना आता था। मैं पीएचडी की बात नहीं कर रहा कि 100 लोगों को पीएचडी होती थी, मैं सिर्फ पढ़ने और लिखने की बात कर रहा हूं। वो एक दौर था जिसमें कि 100 में से सिर्फ 16 लोगों को, 16%। ये हमारे पास में गुड्स क्या है, वाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वीट, ठीक है जी। और यहां पर मेरे पास में गुड्स एक्स है जो कि क्या है, मशीन। क्लियर है? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात अगर मैं करूं तो बेसिकली इकोनॉमी जब ग्रोथ होता है ना तो लोगों की हेल्थ अच्छी होती है। पहले आप देखेंगे हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं थी, अगर थी भी तो वो हमारी और आपकी पहुंच से बहुत दूर थी। लेकिन अब जो है कुछ बीमारी हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो जाए, तो वो काफी हद तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है, कर दिया जा सकता है। पहले जो एजुकेशन पे पहुंच सबकी नहीं हुआ करती थी, और हुआ करती भी थी तो उसका बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज आपके घर के आसपास स्कूल्स या फिर आपके जो है शहर में आपके कॉलेजेस वगैरह हैं, तो पहले से ज़्यादा अच्छा आपका जो है एक तरीके से कंजम्पशन का लेवल है, पहले से ज़्यादा बेटर आप लोगों का जो है एजुकेशन लेवल है, पिछली पीढ़ी से ज़्यादा अच्छी आप लोगों की जो है हेल्थ का जो है उसकी फैसिलिटीज आपके पास में अवेलेबल है। तो ये बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी हैं जिसको हम पहले से कंपेयर कर करके आज की डेट को कह सकते हैं कि पीछे से हमने आगे ग्रोथ किया है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना तो फिर एजुकेशन भी बढ़ता है, हेल्थ भी बढ़ता है। और जब एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही बढ़ता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। जब एजुकेशन बढ़ेगा तो आप नया टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस कर देंगे। कैसे? पहले आप हाथ से घुमा घुमा करके गन्ने का जूस निकालते थे, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, एजुकेशन बढ़ा लोगों का, तो फिर ऐसी मशीन ईजाद कर दी जिससे कि उसी गन्ने से पहले ज्यादा जूस निकाला जा सकता है, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो आप दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कमी किए बिना ही पहले गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इस बात को बताता है कि भैया इस आपका पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप पीपीसी पर पहले यहां पर थे, बी पॉइंट पर थे पीपीसी पर पहले, अब आप तो अब आपका जो है आप ये कह सकते हो कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स का ही प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते इकोनॉमी में, आप इकोनॉमी में जो है वाई का भी प्रोडक्शन, दोनों का प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह बैकवर्ड हो गई या फिर कोई सुनामी या आपदा आ गई तो पीपीसी फिर क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। वो पॉइंट इसमें है नहीं तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है जी? तो आपका सवाल ही यही था, क्या था कि आपको बताना है कि स्केर्सिटी पीपीसी कैसे बताता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहां पर रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट करता है पीपीसी। तो आप तीन पीपीसी बना करके और उसको एक्सप्लेन करो, बस ज्यादा पैराग्राफ के चक्कर मत पड़ो, नंबर उससे कुछ नहीं मिलने आपको। क्लियर है? अब सवाल यह है कि मार्केट इकोनॉमी क्या, और लास्ट क्वेश्चन आपके आज की क्लास का। खैर ये बड़ा आपका जो है ना यूनिट वन प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक था नहीं क्योंकि बड़ा थियेटिकल वाला पोर्शन है। अब आपके लिए आगे आएंगे, जैसे डिमांड चालू होगा, सप्लाई चालू होगा, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड आपका, और उसके बाद कोस्ट, प्रोडक्शन, रिवेन्यू, ये सब चीजें होंगी जहां पर कि बहुत चीजें गहराई वाली चीजें समझने वाली बात, समझाने वाली बात है। ये थ्योरी पोर्शन है बट फिर भी समझना जरूरी है, अच्छा वेटेज इसका आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का इसके कवर करेगा। ये जो आपके पास में पांच क्वेश्चन है, इस पांच में से 20 नंबर का एक आएगा, ध्यान रखना। What is a market economy? How does a market economy solve the central problems? पे मार्केट इकोनॉमी क्या है, देखिएगा एक इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहले एक स्टोरी समझिएगा, आप समझ चुके हैं कि क्या है, एलन मस्क की कार, टेस्ला कार, ये कार है टेस्ला कार, इसके बारे में आप सब सुन चुके हैं पहले ऑलरेडी कि इस कार जो है ये ड्राइवर लेस है, इसमें ड्राइवर की नीड नहीं है, इसमें बस आप लोकेशन डालो और ये गाड़ी अपने ही आप आपको उस लोकेशन पर ड्रॉप कर देगी, अपने आप ही ये कैलकुलेट कर लेगी कि कौन सा रास्ता ठीक है, कहां पर जाम है, कहां पर रेड लाइट होगी है, कहां पर ब्रेक है, ये गाड़ी सब कुछ अपने आप ही इन चीजों को ऑब्जर्व करेगी, किसी भी ड्राइवर की कोई नीड इस गाड़ी को चलाने के लिए नहीं है।
तो ये है टेस्ला कार। ये टेस्ला कार को भारत में लाने की बात कर रहे थे, लेकिन जो है नितिन गडकरी, इनका ये कहना था कि बहुत सारे ड्राइवर जो है वो जॉब लेस हो जाएंगे अगर ये गाड़ी भारत में आ जाएगी। तो इन्होंने कुछ समय के लिए, क्योंकि एक तो पहली बेरोजगारी फैली हुई है और कुछ लोगों को बेरोजगारी मिल जाएगी, तो इन्होंने इसको कुछ समय के लिए भारत में आने से अब जो है वो रोक दिया। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई चीज़ तो आ सकती है, कि आकर के बेचने लग गए बिछा करके, वो एक अलग बात है कि आप दुकान, लेकिन देश के बाहर अगर कोई काम कर, बाहर के कोई अंदर कोई काम करेगा तो बॉर्डर पे सरकार खड़ी है, तैनात है, उसकी परमिशन के बिना वो काम नहीं हो सकता है। तो नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको मना कर दिया, मना नहीं करा मतलब होल्ड कर दिया कि अभी हम इसके लिए टेस्ला कार को भारत में लॉन्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। तो देखिएगा, तो यहां पर क्या होता है कि ये तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, मतलब गवर्नमेंट इसमें डिसीजन ले रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नितिन गडकरी ये थे क्या कि भैया आप लाना है तो आप लाओ, अगर कोई खरीदा है तो खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा वो आपकी मर्जी, आप टेस्ला लाओ या कुछ भी लाओ, आप रॉकेट लाओ, कुछ भी लाओ, आप भारत में आप लाओ, खरीदने वाला खरीदेगा, जो खरीदना हो खरीदेगा, इसको नहीं खरीदेगा वो आप समझो, खरीदने वाला समझे, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। तो जब गवर्नमेंट अपने आप को पीछे कर कर करके और मार्केट के ऊपर छोड़ देती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कि जिस चीज की डिमांड है कंज्यूमर, जिस चीज की डिमांड कर रहा है उस चीज का प्रोडक्शन करो, हमसे क्या पूछ रहे हो वट टू प्रोड्यूस, हम कौन होते हैं बोलने वाले वट टू प्रोड्यूस कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हो, कैटल गुड्स का प्रोडक्शन हो। खासकर मैं आपको पहले बता देता हूं कि भारत जैसा देश जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में गरीबों की संख्या पाई जाती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है ताकि उन गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी जा सके, उन गरीबों को धीरे धीरे समाज में ऊपर उठाया जा सके। तो वट टू प्रोड्यूस में, जैसे कि एग्जाम्पल, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। अब सरकारी स्कूल तो मतलब कि वट सरकार ने डिसीजन, तो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, फिर इनकी अगली पीढ़ी भी जो है वो गरीब ही रहेगी। तो अगर हम इसको सरकारी में पढ़ा देंगे तो ये पढ़ा लिख करके कुछ कर लेगा, तो ये इसकी अगली पीढ़ी तो इतनी गरीब नहीं रहेगी। तो सरकार करती है ऐसे, जो डेवलपिंग यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए, यहाँ पर गरीब लोगों के लिए सोचती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, सरकार इंटरफेयर करती है यहाँ पर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट को लगता है कि भैया कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हो, नेसेसरी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो कंज्यूमर गवर्नमेंट उस चीज को लेकर के टैक्स में छूट देती है, गवर्नमेंट उसको इंकरेज करती है। गवर्नमेंट को लगता है कि भैया कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम हो तो गवर्नमेंट उस पर प्रतिबंध लगाती है, उस पर टैक्स रेट ज्यादा लगाती है। क्लियर है, गवर्नमेंट चाहती है मशीनरी ना हो उसके इम्पोर्ट पर टैक्स, हाई टैक्स लगा देगी, जो कि बहुत महंगा हो जाएगा मशीन को यूज करना एक प्रोड्यूसर के लिए, वो मशीन भारत में वो लाएगा नहीं, वो लेबर से ही काम करवाएगा। तो बहुत सारे डिसीजन है जो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें। गवर्नमेंट चाहिए कंज्यूमर गुड्स का तो कंज्यूमर गुड्स का होगा, गवर्नमेंट चाहिए कैपिटल गुड्स का तो कैपिटल गुड्स का होगा। गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में काम कर सकती है, हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्नोलॉजी भी गवर्नमेंट जो है उस चीज को लगा सकती है, मशीनरी को बैन कर दे तो भैया लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को आपको यूज करेगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन हो, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो ये तीनों चीज जो है गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। लेकिन जब गवर्नमेंट, अमेरिका ऐसी कंट्री जहां पर गरीबों की संख्या कम पाई जाती है, जो डेवलप कंट्री है वहां पर अमीर लोग हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, भैया जो आपके मार्केट में डिमांड है उस चीज का प्रोडक्शन करो, जिस चीज का डिमांड है, डिमांड है तो ए का प्रोडक्शन करो, बी का डिमांड है तो बी का प्रोडक्शन करो, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसका डिमांड है डिमांड पैटर्न के अकॉर्डिंग जाओ, हम इसमें कोई नहीं होते बोलने वाले। हाउ टू प्रोड्यूस, भैया जिस टेक्नोलॉजी से आपके पैसे बच जाते हैं, कॉस्ट कम आती है, उससे कर लो, हम पहले कोई नहीं होते हैं कि भैया इस टेक्नोलॉजी को यूज करो। होम टू प्रोड्यूस, जो आपका सामान लेते हैं उनके लिए प्रोडक्शन करो, क्योंकि वहां पे अमीर लोग हैं। तो ऐसी ऐसी मार्केट जहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम प्रोड्यूस, तीनों डिसीजन कौन ले, कंज्यूमर और सप्लायर ले, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ना हो, उसको हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर है, जहां पर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्या गवर्नमेंट का इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम में, गवर्नमेंट का जो सेंट्रल प्रॉब्लम का डिसीजन लेने में गवर्नमेंट एब्सेंस होती है, बट टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट का रोल नहीं है, हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट का रोल नहीं है, होम टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ऐसी इकोनॉमी जहां पर मार्केट डिसाइड करती है बट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट कहते हैं। हाउ डज मार्केट इकोनॉमी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम, ऑब्वियसली सेंट्रल प्रॉब्लम में वो टू प्रोड्यूस, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जिस गुड्स का डिमांड मार्केट में है। हाउ टू प्रोड्यूस, वो टेक्नोलॉजी जो कि उसके
उसके लिए एफिशिएंट हो, उस काम करेगी, वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी। कोई बेरोजगार हो रहा है तो होने तो उसको कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जो उसके कंज्यूमर होंगे उसका वो डिमांड करेगी, तो मार्केट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, तीनों सेंटर प्रॉब्लम को कर देती है। तो ये हमारा था क्या मार्केट इकोनॉमी था। क्लियर है जी, समझे? कोई डाउट डाउट है तो जरा पूछ लीजिए। तो अब हमारे पास में यहां पर टॉपिक क्या हो जाता है, क्लियर है जी, समझे? तो अब आप इस थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि स्केयर सिटी वाला बताओ सर, ये स्केयर सिटी वाला ना, कि आप सबसे पहले बी का आप लक्षण कर रहे हैं, जिसमें कि आपके बी पॉइंट पर आप हैं, इस पॉइंट पर हैं। तो इस पॉइंट पर आप खुद देखिएगा कि आप जो है वाई का ओ वाई प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक्स का आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप बी से आप सी पर गए, तो आप इस देखे हुए कि आपने एक गुड्स का प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन आपको कीमत चुकानी पड़ी दूसरे प्रोडक्शन पर कम हुआ। वो कीमत इसलिए चुकानी पड़ रही है आपको क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज क्या स्केयर है। अगर रिसोर्सेज स्केयर नहीं होते, लिमिटेड अगर लिमिटेड नहीं होते, तो हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते, एक का प्रोडक्शन बढ़ाते। अगर मेरे पास में रिसोर्सेज अगर लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता, एक्स और वाई, अगर ये 100 यूनिट है और ये 80 यूनिट है, तो यहां पर मैं इसका अगर 20 यूनिट बढ़ा रहा हूं, तो मेरे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो उसको लगा करके 20 बढ़ा सकता हूं, 120 हो जाएगा मेरे पास पे, ये मेरे पास 80, इसको कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, लिमिटेड है। अगर ये 20 बढ़ा, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर कम हुआ, अब ये 50 हो गया, तो एक को बढ़ा रहा हूं मैं और दूसरी तरफ से मुझे क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये रिसोर्सेज यहां पर लगाने पड़े, इसकी वजह से वो कम हुआ। तो आपको ये ग्राफ बता रहा है कि अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, दूसरे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, स्केयरसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है जी? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब कि कल ही, कल डे कौन सा है, कल डे है हमारा सैटरडे, हाँ, तो कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे, डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Thank you.